आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन ओवर। वैसे ओवर का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन ओवर का हम कई कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो देखते हैं हम किन किन कंडीशन में ओवर का यूज़ करते हैं। इसका फर्स्ट यूज़ होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श ना कर रही हो, लेकिन एक वस्तु दूसरे वस्तु के ठीक ऊपर हो, मतलब लंबवत हो, तो उस कंडीशन में भी हम के ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। तो एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई हंग द लैम्प, मतलब मैंने लैम्प टांगा ओवर द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर। तो ठीक ऊपर हमने लैम्प टांगा है, तो उस कंडीशन में हमने काय का यूज़ किया, ओवर का। नेक्स्ट सेंटेंस है द सीलिंग फैन इज़ ओवर आवर हेड, मतलब सीलिंग फैन हमारे सर के ठीक ऊपर है, तो इस कंडीशन में हमने के ऊपर के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया। इसका नेक्स्ट यूज होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और साथ में गति कर रही हो, तब भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, मतलब प्लेन उड़ रहा है ओवर द टाउन, मतलब टाउन के ऊपर, प्लेन उसके ऊपर है और गति कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमने के ऊपर के अर्थ में काय का यूज किया, ओवर का। नेक्स्ट सेंटेंस है द वर्ड्स आर फ्लाइंग, पंछी उड़ रहे हैं ओवर द रिवर, नदी के ऊपर, तो मतलब वो ऊपर हैं और गति भी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमने के ऊपर के अर्थ में काय का यूज किया, ओवर का। नेक्स्ट इसका यूज होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को ढके, मतलब कवर करे, तो उस कंडीशन में भी हम ओवर का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही पुट ए ब्लैंकेट, मतलब उसने एक ब्लैंकेट मतलब कम्बल डाला ओवर द डेड बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही पुट ऑन ए कोट, उसने एक कोट पहना ओवर हिज जैकेट, उसकी जैकेट के ऊपर, मतलब कोई भी एक चीज जब दूसरी चीज को स्पर्श कर रही हो, उसे ढक रही हो, तो उस कंडीशन में भी हम के ऊपर के अर्थ में काय का यूज करते हैं, ओवर का। नेक्स्ट इसका यूज होता है पूरे या संपूर्ण के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम ओवर के साथ आल का भी प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही ट्रेवल्ड, मतलब उसने यात्रा की ऑल ओवर एशिया, मतलब संपूर्ण एशिया की। नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्प्रिंकल्ड द वाटर, उसने पानी छिड़का ऑल ओवर द ग्राउंड, मतलब पूरे मैदान पर। नेक्स्ट इसका यूज होता है एक ओर से दूसरी ओर जाना बीच में किसी बाधा को पार करके, तो इस कंडीशन में के ऊपर से के अर्थ में भी हम काय का यूज करते हैं, ओवर का। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही जम्प्ड, वह कूदा ओवर द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर से। नेक्स्ट सेंटेंस वी टॉक्ड, हमने बात की ओवर द गेट, मतलब गेट के ऊपर से। इसका नेक्स्ट यूज होता है किसी वस्तु या स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु गति करे, तो उस कंडीशन में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द कार रेन ओवर द बॉय, कार बच्चे के ऊपर से गुजर गई। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वॉज राइटिंग रेपिडली, वह तेजी से लिख रही थी ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर, तो पेपर स्थिर है और पेन के द्वारा उस पर मूवमेंट गति हो रही है, तो इस कंडीशन में हमने ओवर का यूज किया। नेक्स्ट इसका यूज होता है यदि शरीर का कोई अंग किसी वस्तु के ऊपर झुके, तो उस कंडीशन में भी हम काय का यूज करते हैं, ओवर का। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही क्राउच्ड, मतलब वे झुका ओवर ए टाइपराइटर, मतलब टाइपराइटर के ऊपर या टाइपराइटर पर। नेक्स्ट इसका सेंटेंस है ही बेंट, वह झुका ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर। नेक्स्ट इसका यूज होता है से अधिक या से ज्यादा के अर्थ में भी। जब हम नंबर में कोई चीज अधिक दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम काय का यूज करते हैं, ओवर का। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सी इज ओवर 30 ईयर ओल्ड, वह 30 साल से अधिक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ओवर 20 बुक्स, मेरे पास 20 से अधिक किताबें हैं। इसका नेक्स्ट यूज होता है शासन करने के अर्थ में भी हम ओवर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है अकबर रूल्ड ओवर इंडिया
मतलब अकबर ने शासन किया ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रूल्ड, उसने शासन किया ओवर ए लार्ज किंगडम, मतलब एक बड़े राज्य के ऊपर या बड़े राज्य पर। इसका नेक्स्ट यूज होता है किसी विषय मुद्दे पर विचार विमर्श करने या बहस करने पर भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दे ऑफन क्वारल ओवर पॉलिटिक्स, वे अक्सर झगड़ते हैं ओवर पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के ऊपर या राजनीति पर। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर डिस्कसिंग, हम वार्ता कर रहे थे या बात कर रहे थे ओवर योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य के ऊपर या भविष्य पर। नेक्स्ट इसका यूज होता है के क्रम में या के दरमियान, के अर्थ में ही, मतलब ड्यूरिंग के सेंस में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है रीड दीज बुक्स, ये किताबें पढ़ो ओवर द वेकेशन, छुट्टियों के दरमियान। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रोसेस इज डेवलप्ड, मतलब प्रक्रिया विकसित हुई है ओवर मैनी डेकेड्स, मतलब कई दशकों के दरमियान। नेक्स्ट इसका यूज होता है किसी रेडियो या टेलीफोन के माध्यम से कोई संदेश दिया जाए तब भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई हर्ड इट, मैंने यह सुना ओवर द रेडियो, मतलब रेडियो के ऊपर या रेडियो पर। नेक्स्ट सेंटेंस है सी डज नॉट वॉन्ट टू से इट, वे यह नहीं कहना चाहती है ओवर द फोन, मतलब फोन के ऊपर या फोन पर। इसका नेक्स्ट यूज होता है किसी स्थान से दूसरी ओर वस्तु को बताने के लिए, वस्तु या व्यक्ति को दूसरी ओर बताने के लिए भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है माई हाउस इज ओवर द रोड, मेरा घर इज ओवर द रोड, मतलब रोड के उस पार है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज स्टैंडिंग ओवर द लेक, वह खड़ा हुआ था ओवर द लेक, मतलब झील के उस पार। इसका नेक्स्ट यूज होता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज ए ब्रिज, एक ब्रिज है ओवर द रेलवे लाइन, मतलब रेलवे लाइन के ऊपर, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज ए ब्रिज, एक ब्रिज है ओवर द रिवर, नदी के ऊपर, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक। नेक्स्ट इसका यूज होता है समाप्त होने के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द मैच इज ओवर, मतलब मैच समाप्त हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्कूल इज ओवर, मतलब स्कूल समाप्त हो गया है एट 5 PM, मतलब शाम 5 बजे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।